मरियम बीबी की आमद पर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। जी हाँ, मरियम बीबी की लाहौर एयरपोर्ट से उतरते ही पाकिस्तानी कौम को बहुत बड़ा तोहफा 35-35 रुपए का तोहफा दिया गया है। जी हाँ, 35 रुपए डीजल और 35 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया गया। पाकिस्तानी कौम को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है क्योंकि उन्होंने इस बीबी साहब ने सर्जरी करवाई हुई थी और उस पर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है। दादा डॉक्टरों ने कहा था कि जब तक पैसा आप आवाम की जेब से नहीं निकालेंगे आप बिल्कुल सेहतयाब नहीं हो सकती। तो नवाज शरीफ ने अपने दिल पे हाथ रख के शहबाज शरीफ को कहा कि पेट्रोल की कीमतें 35 रुपए डीजल की और पेट्रोल की बढ़ा दें। तो हाँ, मैं नहीं चाहता कि मुल्क दिवालिया हो, आवाम पर बोझ पड़े, लेकिन अब आवाम को ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तुसे खैर खरीत नाल होसते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खरीत नाल हां। दोस्तों गल इंजे के कई ना बादशाह ते बादशाह आई ना, ओदी बड़ी जड़ी आवाम राया आई, बड़ी खुश वस्ती पई आई। अचानक की होया बे किसी मुल्क ने उन्हें हमला किया तो उस हमले दे पेश नजर ना उन्हें हमले दा दफा तक कर लिया, लेकिन ये होया भाई जरा हमला इतना शदीद है कि मुल्क का नुकसान पूरा नहीं हो सकता पिया। हूँ की होया जी, उन्होंने सोचा हूँ की करा है, वजीर सदे उस वजीर आके सुन के करा है कि यह जरा नुकसान ये भी पूरा करना है। तो उन्हें आखिर जी बादशाह आवाम से जरा ना आप टैक्स ला दें। उन्हें आखिर जी आवाम से टैक्स लाया तो यह जरा काम खराब हो गई सी। आवाम अगे जड़े ना जंग दी हालत आइए तो बड़ा आवाम का भी नुकसान होया, अपना भी नुकसान होया। आवाम तो आप टैक्स लसा तो आवाम जी कमजोर हो वैसी हो सकता है एहतजाज चक्कर है तो साड़ी हुकूमत ही खतरे च हो जाए। उसका कि यार इस तरह है भी कोई ये तरीका दसो भाई असा जरा बाद चाह वजीर आखा जी मैं बादशाह सलामत मैंने कोई एक दिन का टाइम दियो, मैं सोच के पौन दस इन्ना सलामत उन्होंने टाइम दे छोड़िया भाई सोचा दो दिन तेरे को टाइम है तू सोच ला ए भाई याद रखना आवाम साढ़े खिलाफ ना हो। उसका बादशाह सलामत मैं यो जब फार्मूला लावना कि आवाम ही खुश रासी तो जरा ना असम ही जरा छादर साड़ी भी हुकूमत बची रहा सी। वो के होया जी उन्हें पहले तजर्बे तौर पर बादशाह आखिर भाई जरा दाखिली दरवाजा है ना महल का, क्योंकि ना उदा होंगे कले बने हुए एक कले का एक दाखिली दरवाजा एक मरकजी दरवाजा होंगे ही हर बंदा उस दरवाजे चू जाके लग के तो बहर जाता है तो मुड़ अगर बाजार कै आना तो उस दरवाजे तो वापसी आंदा है वह एक मरकजी दरवाजा होंगे कल आता तो वो भी दरवाजे तो उन्हें जी ला छोड़ा टैक्स भाई जरा ना टैक्स केड़ा आई इतू जरा लोग दरवाजा टपसी ओनू एक लित्र पौले का मारिया वैसे समझे ना लित्र ओ जी एक एक पौला जनाब मेरे लगन लग गया हाली आजमाइश हो रही है आवाम चुप तक एक लित्र झले ते अपने काम नू वग जावे। इंजरी महीना गुजरिया जी दो लित्र हो गए आवाम साढ़े तरह गूंगी आई चुप करके लित्र शित्र झली रखे उस आखिरकार तीसरे महीने जड़ा ना उन नाल दो लित्र ते नाल जड़ा ना दो रुपये टैक्सी ला छोड़ा दो लित्र ही मार तो नाल दो रुपये टैक्सी लाओ। हूँ जनाब अली आवाम जड़े ना दो लित्र ही झले ते नाल दो रुपये ही देवे ते चल भाई इंजरी गाल नू ना कम अज कम चार महीने गुजरे तो उन्हें आख्या जी लित्र त्रै त्रै कार छोड़ो तो रुपये त्रै कार छोड़ो। हूँ जी आवाम आवे त्रै लित्र झले त्रै रुपये ही देवे तो आराम नाल अपना जो बाहरों काम है हो आवे वापसी मुड़ त्रै लीटर जल्द त्रै रुपये देवे तो अपने घर आ जाए। सिलसिला जारी रही है चार पांच महीने आखिरकार ना बादशाह अपने एक दरबार बैठे महल बैठे उन्हें बाहर शोर सुनाई दिता आवाम जरा शोर आए बहुत ज्यादा बादशाह जड़े जल्दी ना हैरान हो गए तो अपने वजीर ने तलब किया भाई आवाम शोर किस तक रही पई है। उस आखिर जी बादशाह सलामत मैं बाहर होकर पूछा ना जी बाहर पूछा जी आवाम जा जाए आके दस बादशाह सलामत आवाम जरा ना बड़ा मसीरी खोली बड़ी तप्पी खाली है तो यह ना एहतजाज करें पई है उन्हें एदा रीज़न की है तन जू मैं आदम आवाम बाहर निकल आई तो अपनी हुकूमत खतरे च आवे सी जी हूँ रीज़न की है जी। उस आखिर बादशाह सलामत नू आदन जी अस अपने दरमियान वेखना चाहते अस गल करनी तो बादशाह तू घट कह ना गल नहीं करनी ना वजीर नाल ना मशीन नाल बादशाह सलामत आके साड़ी गल का जवाब देवे आखिर ना चाहते भी बादशाह सलामत तौरा जड़े ना महल तू बहर आए आवाम नू जनाब आके हाथ हलाया आवाम नू पुछे तुहानू की तकलीफ है। आवाम ने आख्या बादशाह सलामत पहले एक लित्र आई असा चुप करके झली रखे मुड़ दूआ आ गया मुड़ नाल दो रुपये टैक्स भी हो गया मुड़ त्रै लित्र मुड़ नाल त्रै रुपये टैक्स साडा मुतालबा यह है कि जड़ा असा लित्र ही जलसा त्रै रुपये दिसा है लेकिन साडा टाइम जाया होता लित्र मारन वाला एक बंदा है लिहाजा अस इल्तजा करें कि लित्र मारन वाले बंदे बधाए जावे ताकि साडा वक्त जाया ना हो।
एडी कमली आवाम ए ना पूछा बे सानू टैक्स किस शायद लाई खले हो लीटर क्यों पे मरेंदे हो पैसे किस शायद हैं उन आके जी सानू लीटर जलने कबूल हैं पैसा दे मना कबूल है लेकिन आवाम दी तादाद बहुत ज़्यादा होंगी तो लीटर मारने वाला एक बंदा लाजदा लीटर मारने बंदे बधाए जावे साढ़े तेरा कमरा अस भी इो गल है अस उन्होंने वोट देने उन्हें हुकूमत को मुड़ अपने ते मसलत कर लेने मुड़ आने अज वेख लो डालर 270-275 अपड़ गया लेकिन लभदा नहीं पाया 300 तू भी ये साढ़ा मुल्क डिफॉल्ट के खतरे च आ गया है अस अल्लाह को दुआ मंगने भाई मुल्क का किमें कोई चंगा हो करा है हुकूमत जेडे बहार बैठी है साड़ी लंदन जहाज भरी भरी के सिर्फ मशरे वास्ते जाते हैं वह पैसा कि वजह सी जेब चु निकलता तो मुड़ा दें मुल्क डिफॉल्ट की तो उल्टा हूँ 35-35 रुपये पेट्रोल भी विखा बद गया तो डीजल ही बद गया आवाम जावे तो जावे कि किराए बद गए हर शे बद गई है सब्जियां घ्यो हर चीज़ बद गई है तो आयल लीटर वाला पैक का जड़ा एक लीटर पैक का आयल है वह भी 600 रुपये लीटर हो गया सब्जी है वसल है प्याज है 300 रुपये किलो हो गया मर्चा टमाटर दाला हर शे की कीमत बद गई है अस पता नहीं कड़ी सिमत जा रहे हैं सानू समझ नहीं आ रही उम्मीद की किरण आ गई वो ये सर्जरी करा के आई है जड़ी ते ओ जड़ा पैसा खर्चा हो आवाम दी जेब ते आंधे डाका पा दिते ने पेट्रोल ते डीजल दी शक्ल दे विच ओ ना करावें तू सर्जरी तू की कराए मरियम बाजी सोहनी तो बन गई सर्जरी ना लेकिन आवाम दा जड़ा ना घोड़ बाहर आ गया अल कुरान पाक का फैसला है कि जिस तरह की आवाम हो सी उन्होंने उत्ते हुक्मरान भी उस तरह का मसलत किया जा सी मेहनत हैरत होती है मैं अज एक वीडियो वेखी है दुनिया न्यूज़ से उन्होंने पेज पर वीडियो आई वधिया है जहाज़ के अंदर दी मरियम साहबा जहाज़ के बैठी ने जहाज़ जड़ा ना वो लैंड कर गया ते अंदर आवाम जी खलोती आई और नारे मरेंदी आई जी मरियम तेरे जा निसार पिछू आवाज़ आती है जी बेशुमार बेशुमार लंदन अयो आवाम जनाब अली ये बल्कि वजीर आजम साहब शबाज शरीफ हो गए नवाज शरीफ हो गए मरियम हो गए इन्होंने रोडा से रुलते पे होते टैक्सी के पिछू भजे बदे होते हैं अस इन वीडियोज वेने लेकिन वो जहाज लाने तो पहले जी जहाँ सिक्योरिटी आ रही है जी सिक्योरिटी बुलाएं जी सिक्योरिटी बुलाएं मरियम साहब की सिक्योरिटी का कोई बंदा है जी सिक्योरिटी इंचार्ज आ गए सब कुछ आ गए तो जहाज तू लत्थी है जहाज तू लत्थी है तो एयरपोर्ट दाखिल हो आ जी मोड़ जी प्रोटोकॉल दी गड्डिया तो ये तो वो तो जनाब ले हूटर सायरन पुलिस ये भग दौड़ मच गई अयो अपने मुल्क आवे तो प्रोटोकॉल बाहर के मुल्क इन्होंने मूँह से थुकता भी कोई नहीं उत्ते भजे वजे उन्होंने पुछता भी कोई नहीं उन्होंने इतने पहचान भी कोई नहीं लेकिन अपने मुल्क लाँदे इन्हों के प्रोटोकॉल शुरू हो पाते हैं यार इन्हों के प्रोटोकॉल तो पता नहीं लख करोड़ रुपए का खर्चा हो पाता है अस आवाम आए अस इन्होंने पिछू भजे रहने जी और जी अज वे लाइन आटे की लगियां खाली कभी अज तक आटे की लाइन ना लगियां एक गरीब बंदा जावे तो जावे कि एक छोटी जी वीडियो बनाने का मकसद होंगे भाई अस तो जागीए अस अपनी आप हालत बदलीए इलामा इकबाल कहना भी उतने तक अपनी आप जब तक कोई बंदा हालत नहीं बदलेंदा खुदा भी उसकी हालत नहीं बदलेंदा अस उस फलसफे पर अमल करके तो एक बार विखाएं उम्मीद है वीडियो पसंद आई उसी वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर किया करो लाइक किया करो कमेंट्स किया करो एक तुहाड़ा प्यार ते मुहब्बत होंगी हंसते रहो वसते रहो खुश रहो आबाद रहो जींद रहो अल्लाह हाफिज़ ते अल्लाह नेकबान।